वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, डिस्कशन हो रही है बच्चों की तरबियत के हवाले से, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से। इरम और प्रोफेसर जमाल हमारे साथ मौजूद है। इरम, अभी आप बात कर रही थी कि हमें बच्चों की ऐसे स्कूल सिस्टम और जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि स्कूल सिस्टम्स में क्या हो रहा है, इवन प्राइवेट सेक्टर भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि हमारे प्राइवेट सेक्टर के कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के चक्कर में हम बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि हम बेसिक चीजें भी बच्चों को नहीं सिखा रहे। बेसिक चीजें जो हमारा बेस है, असास है, हमारी कौमियत के असास मुताला पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडीज, और हमारी जिंदगी की असास हमारा अपना रिलीजन। तो इन जिस सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे इस्लामियात एज ह्यूमैनिटीज पढ़ाया जाता है। वहाँ पे इसमें अच्छा, अभी अभी बच्चों से हमने 8th ग्रेड के बच्चों से नाजरा जैसे रखा है, उसके मार्क्स होते हैं इस्लामियात के पेपर में, और कुछ उनके हिफ्स के होते हैं, कुछ चीज़ें उनको हिफ्स के लिए दी जाती हैं। तो नाजरा 8th क्लास के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, और जब बड़ी फिक्र से पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट किया तो जवाब क्या मिला कि क्या करें, स्कूल में आते हैं बच्चे, फिर उसके बाद उनकी एकेडमी है, फिर ट्यूशन है, टाइम ही नहीं मिला। तो ये तो बेसिस हैं, और ये पेरेंट्स के से रिक्वेस्ट है कि हम फिर कहाँ जाएंगे, जब हम ये नहीं सब करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और सर ने अभी बात की कि मैंने 40 या 50 मार्क्स की बात की थी इस्लामियात, या वो 40 या 50 मार्क्स का मसला नहीं है। यहाँ से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस सब्जेक्ट को, वहाँ से पता लग रहा है कि कितनी। और एक ये बात नहीं कि 40 या 50 मार्क्स का नहीं है, आप इसमें अगर फेल हो जाते हैं, रह जाते हैं, तो वो मैटर नहीं करता एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो हम इसका मतलब है इसको नहीं इतनी अहमियत दे रहे, फिर बच्चे भी नहीं देंगे। और अब तो अर्मिला ऐसे है, बड़ी बड़ी डिग्रीज के साथ भी ना पढ़े लिखे जाहिल हमें मेजॉरिटी मिलती है। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है छोटे बच्चे मैट्रिक तक के भी होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अभी इतनी उनकी अकल नहीं होती है। जो बाइकर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं रोड्स पे, जबकि वो रोड के जो सेंस भी जानते हैं, बोर्ड्स भी पता है, पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने ट्रैफिक के कानून कवानीन पढ़ सकते हैं, उन्हें पता है इनकी इम्पोर्टेंस क्या, लेकिन वो क्या कर रहे होते। ठीक हो गया प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब आए, क्योंकि हम अभी जिससे बात कर रहे थे चेक एंड बैलेंस, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपने कहा मेन स्ट्रीम से थोड़ा हटकर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है, लेकिन एट द एंड गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें, बहुत से एतराजात भी आते हैं पब्लिक की जानिब से कि हम अपने बच्चों को किस वजह से नहीं डालते, चाहे वो उस दरमियाने स्कूल में पढ़ा लेंगे लेकिन वो गवर्नमेंट में प्रेफर नहीं करते, क्या वजह समझते हैं आप इसकी? देखिए, इसकी सबसे बड़ी एक यही वजह है कि स्टेट सेक्टर बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता कि कुरिकुला या प्रोफेशनल, या हमने सिर्फ और सिर्फ ना बच्चों को एग्जाम के लिए तैयार करना है। स्टेट सेक्टर में थोड़ी टाइम की डिवीजन, स्टूडेंट एक्टिविटीज की डिवीजन, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। दूसरी, स्टेट सेक्टर ने आज तक जिस चीज़ की तरफ, वो एजुकेशन का मसला नहीं है, वो पूरे स्टेट सेक्टर का है, मतलब क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं, क्लाइंट अटेंडेंस, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन शायद कहीं भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपने किसी को जाके मिलना हो स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में, उसे भी उसी तरह की मुश्किलात पेश आती हैं जैसे स्टेट सेक्टर में आपने किसी को प्रिंसिपल को मिलना है या टीचर को मिलना है। तो क्लाइंट अटेंडेंस भी नहीं है हमारे के जी, जो पेरेंट्स आए आप उनको अटेंड करें, उनको समझाएं। तो एक अहम रीज़न इसकी ये है। दूसरा, एक अजीब सा कॉन्सेप्ट ये डिवेल्प हो गया, वो शायद ना मार्केट इकॉनमी की बाई प्रोडक्ट है थिंकिंग के, चीज़ पैसे लगा के मिलती है, जो फ्री मिलती है उसकी क्वालिटी नहीं होती। तो एक ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। दूसरा ये है कि आप लाहौर में आप देखें कॉलेजेस की हद तक, कई कॉलेजेस ऐसे हैं कि वहाँ पे कैपेसिटी कम है, एडमिशन ज्यादा है। ठीक है। तो इसलिए हम ये पूरा थीम नहीं, बच्चे जाते हैं, ओवरऑल आप कंपेरिजन पंजाब की सतह पे करें तो आपकी बात पार्शली दुरुस्त हो सकती है। तीसरा, हमें एक चीज समझना चाहिए कि इंसान के पास जब मॉनेटरी पैसे हो तो सबसे पहली प्रेफरेंस उसकी आफ्टर हेल्थ एजुकेशन है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया डिस्कशन हमारी, बिल्कुल जनाब हमें इजाजत लेनी है। थैंक यू वेरी मच इरम, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया दोनों का। एक छोटी सी बात अर्मिला मैं कह सकती हूँ, एक छोटा सा के एक कुछ लाइंस मुझे मिली थी, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फिर। जबरदस्त, चले जनाब आपसे इजाजत लेगी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।